स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जिसका नाम है ग्रोवर एंड वेल लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली 1957 में इसकी इनकॉर्पोरेशन की थी, काफी पुरानी कंपनी है। और कंपनी के पास चार डिवीजन है। एक तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स बनाते हैं जो ज्यादातर मेटल सेक्टर में यूज किए जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो इंजीनियरिंग डिवीजन है ये भी वो खुद बनाते हैं। तीसरे इंडस्ट्रियल पेंट्स में ये काम करते हैं। और चौथे इनफैक्ट अनिल जी, कांदिवली में इनका एक बहुत बड़ा रिटेल माल है जिसको ग्रोवेल 101 से जाता है, जो करीबन 10 लाख स्क्वायर फुट का बड़ा माल है। तो कंपनी ने करीबन पिछले 5 साल में बहुत ही बेहतरीन नंबर दिखाए। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 250 करोड़ की कैश है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ऑटो डिफेंस एरोस्पेस एज वेल एज मेटल सेक्टर के लिए बहुत ही एक डोमिनेंट सप्लायर है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स में ये एक मोनोपोली प्लेयर है, करीबन 2-3 प्लेयर्स ही है और यहाँ पे कंपनी करीबन 50% की मार्केट शेयर एंजॉय करती है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़े एप्लीकेशंस है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में टॉप लाइन ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगी। और जिस प्रकार का इनका मॉडल है, कॉम्पिटिशन बहुत लिमिटेड है। तो मेरे ख्याल से 65 रुपया जो अभी चल रहा है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को इसको एक्युमुलेट करना चाहिए अगले 2 साल। मेरे ख्याल से अगला जो 6-12 मंथ्स का पीरियड है, यहाँ पे एक्सपांशन काफी जोरों से इन्होंने किया है इंटरनल एक्रोल से, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 105-106 का टारगेट एटलीस्ट नेक्स्ट 6-12 मंथ्स के लिए बनता है। लॉन्ग पिक के लिए और पोर्टफोलियो पिक के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो ये मेरी तरफ से लॉन्ग टर्म पिक है।